गाइस कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि इस बार बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि यार हम लोग कॉस्को बॉल से खेलते हैं और लैदर बॉल से एडजस्ट कैसे करें, कैसे खेलें उससे आगे, क्योंकि कॉस्को बॉल से खेल सकते हो तुम लोग, मन बहला सकते हो, तो लेकिन आगे जाकर तुम्हें लैदर बॉल से ही खेलना पड़ेगा, सीजर बॉल ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो आज उस बारे में बात करेंगे कि आप लोग कॉस्को बॉल से एडजस्ट करके लैदर बॉल पर कैसे जा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जब भी आप खेलने जा रहे हो सीजर बॉल से, तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप कॉस्को बॉल से खेल के आए हो तो उसमें आपको आदत होगी शॉट मारने की ज़्यादातर, बट सीजर बॉल पर ऐसा मत करिए। स्टार्टिंग में आके शॉट कभी मत खेलना, वरना बहुत दिक्कत आएगी। हमेशा ये टाइम दीजिए, अगर कोई भी आप काम करोगे तो आपको पता होगा कि उस चीज़ में तो अगर आप टाइम नहीं दोगे, जैसे मान लीजिए मैं जब स्टार्टिंग करने गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ आज, वो जितना भी मैंने वैसे बोला है आज तक जितनी वीडियो में, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है आज तक, मैं और कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बस एक तो डर हटाइए, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि प्रेशर देखिए आगे और भी मौके आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना इस पर ज़्यादा फोकस करो, बट ये है कि जितना सीजर बॉल से आप आराम से खेलोगे, जितना टाइम दोगे, जितना टाइमिंग के साथ खेलोगे, बॉल के फ्लो पे जाओगे आगे, उतना सही होगा आपके लिए। गाइस कॉस्को बॉल से लैदर बॉल तक जाने में बहुत ज़्यादा एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको डर ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने देखा है कि जब बहुत लोग नए बंदे एकेडमी जाते हैं, उससे पहले वो ज़्यादातर कॉस्को से ही खेलते हैं, क्योंकि लैदर बॉल से खेलना उन्हें लगता है कि मैं कॉस्को से जब मारते हैं तो वो शॉट जाता तो है लंबा, बट उन्हें लगता है ना कि यार लैदर बॉल इतनी हार्ड होती है, वो जाएगी वहाँ तक, ज़रूर जाएगी, क्योंकि उस हिसाब से बैट भी तैयार होते हैं आजकल, आराम से मारोगे, मिडिल करोगे बैट को, टाइमिंग के साथ शॉट खेलोगे तो जाएगी। हाँ कॉस्को में फट्टे वाला शॉट होता है, अगर तुम उसमें मारते हो इसलिए तो वो बाउंड्री तक चली जाती है, बट लैदर में ऐसा कुछ नहीं है, अब अगर आप फट्टे की तरह खेलोगे तो बॉल वहीं रुक जाती है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए तब आपकी बॉल थोड़ी आगे तक जाती है। कभी भी जब भी आप एडजस्ट कर रहे हो तो कभी डरो मत, स्टार्टिंग में जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, बाहर दोस्तों को बुला लो, उसके साथ थोड़ा सा एक बार खेल लो, अगर आप जब खेलोगे एक बार स्टार्टिंग में बाहर, तो आप करना कि जो बॉडी खुलेगा उसके हिसाब से तुम आप लोग जब भी आप एकेडमी भी जाओगे तब भी एक बार ध्यान रखना कि आप पहले बाहर खेलो, बाहर खेलने के बाद एकेडमी ज्वाइन करो, क्योंकि एक जो कोच के सामने एक रुतबा बनता है ना स्टार्टिंग में जाकर, वो आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोच को अगर स्टार्टिंग में दिखा दो कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो उस हिसाब से ध्यान भी नहीं देता, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर खेलो फिर जाओ आगे जाकर। पहली बात तो जो कॉस्को का बैट यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो स्टार्टिंग में जब जैसे हमारा जो लेदर का बैट होता है वो अराउंड 1200 ग्राम का, उससे ज़्यादा का होता है, बट जो एक आइडियल बैट होता है उसका जो वेट होना चाहिए वो 1200 ग्राम और 1300 ग्राम तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, और अगर बाई चांस ज़्यादा है जान आप में तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब बात कर लेते हैं बैकलिफ्ट की। कॉस्को में बैट ज़्यादातर ना कोई स्टांस पोजिशन होता है ना ही कुछ होता है, हमेशा ऐसे ही नॉर्मल तरीके से खेलते हैं, मैंने जितने भी देखे हैं नॉर्मल तरीके से खेलते हैं, बट जब भी आप खेल रहे हो अच्छे से सीजर बॉल से खेल रहे हो, तो आपका जो बैकलिफ्ट होता है प्रॉपर तरीके जो स्टांस होता है पूरा प्रॉपर वीक गेम में होता है, कि आपका बॉडी झुकी होती है प्रॉपर, आपका बैक हाइट लिफ्ट होता है, आराम से शॉट सीधे बैट से खेलते हो, उसमें जब कॉस्को बॉल से खेल रहे हो आप तो उसमें आपको अपनी पावर दिखानी है, लेकिन लैदर बॉल पर आपको सिर्फ टाइमिंग पर डिपेंड करना चाहिए जब आप स्टार्टिंग में खेलते हो। तो गाइस वो तो थी बैटिंग कैसे करना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, अब बात करते हैं बॉलिंग की, बॉलिंग कैसे करनी है। देखिए कॉस्को बॉल से कोई ज़्यादातर सीम पे बॉल नहीं पकड़ता, जो कि हमें सिखाया जाता है कि सीम पे बॉल पकड़िए जब भी आप बॉल डालने जा रहे हो, कॉस्को बॉल से ज़्यादा सीम पे नहीं पकड़ी जाती बॉल तो हिसाब से ना, लेकिन जब आप लेदर बॉल पे आते हो तो आपको हमेशा बॉल सीम पे पकड़नी चाहिए, वो मैं दिखाता हूँ सीम पे कैसे पकड़नी है बॉल आपको, ये देखिए ठीक है, प्रॉपर तरीके से सीम पे बॉल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके बॉल डालना है, और आप जब भी बॉल डाल रहे हो तो आपको ना ये फोल्ड करिए आगे की तरफ, जब आप बॉल डाल रहे हो स्टार्टिंग में जाकर, तो जब और आगे की तरफ फोल्ड करिए, इसको आगे की तरफ बेंड करिए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स होते हैं, ये कुछ बेसिक से नॉलेज है जो कि बहुत लोगों को पता होंगे, बट जिसको नहीं पता होंगे, जो नया जाना चाहता होगा एकेडमी, या फिर जो अभी भी गया होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी वीडियो, तो इसको ना यार शेयर ज़रूर कर लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो मैं फेमस हूँ या कुछ भी, बट ये जो टॉपिक है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार बहुत लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं स्टार्टिंग में कि मैं कैसे खेलूँगा कैसे नहीं खेलूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट एज यूजुअल आपको अगर अच्छा लगे तो करना ही है, बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं बताऊंगा किस पे है, उसके लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक मतलब वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखना और क्रिकेट ज़रूर खेलना, ये नहीं कि आप रुक जाओ धूप है बहुत, क्योंकि असल में मैंने देखा क्योंकि बहुत जो मेरे जो कैमरा मैन है जो मैं बुलाता हूँ लोगों को कि यार कैमरा पकड़ लो, कोई आता ही नहीं है यार, मैं अकेला आता हूँ, मुझे हर दिन नए नए बंदे लेके आने पड़ते हैं। आज जो मेरा फ्रेंड आया वो मनीष, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ ये है, तो जैसे कि आज ये आया हुआ है, बाकी हर दिन कोई नया नया आता है, होप कि ये शायद आगे भी आए मेरे साथ वीडियो बनाने। चलो एंड करते हैं, लंबी खींचनी नहीं है वीडियो ज़्यादातर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखना, बाय।